The kindergarten teacher has 25 kids in her class. She takes 5 of them at a time to zoological garden as often as she can, without taking the same 5 kids more than once. Then the number of visits the teacher makes to the garden exceeds that of a kid by. तो अगर हम देखेंगे तो kindergarten में जो teacher है उसकी 25 class में से वो 5-5 के pairs में zoological garden visit पे जा रहे हैं, और हमें ये भी given है कि without taking the same 5 kids more than once. तो अगर हम देखेंगे तो number of pairs कितने हो जाएंगे हमारे पास में 25 kids में से 5-5 के, तो visit by teacher कितना हो जाएगा, जितने pairs होंगे उतने ही क्या बोलते हैं visit होंगे teacher के, तो visit of teacher is equal to visits of teacher is equal to तो देंगे 25 स्टूडेंट्स में से हमने क्या करे कोई से भी 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए. ओके तो ये हो गए हमारे पास में टोटल विजिट्स 25C5. अब हमसे पूछा है द नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स टू द गार्डन एक्सीड्स दैट ऑफ अ किड बाय. तो नंबर ऑफ विजिट्स बाय अ किड कितने हो जाएंगे ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है. नंबर ऑफ विजिट्स बाय अ किड, तो विजिट्स बाय अ किड, तो एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं यहाँ पे. अगर हमारे पास में 5 प्लेसेस हैं किड्स के लिए, है ना, उनमें से हमने कोई एक प्लेस फिक्स कर ली कि इस पे एक स्पेसिफिक किड ही जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बची हुई 4 प्लेसेस हैं, इन 4 प्लेसेस में टोटल किड्स कितने हैं क्लास में 24, तो 24 में से कोई से भी 4 आ सकते हैं, तो देखा 24C4. तो अब हमें गिवन है कि द नंबर ऑफ विजिट्स टीचर मेक्स टू द गार्डन एक्सीड्स दैट ऑफ किड, तो एक्सीड कितने पॉइंट से करेगा, नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ टीचर कितना है 25C5, फिर माइनस में क्या जाएगा 24C4. अब एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, N प्लस 1 CR होगा. तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसे देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, NCR इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, फिर आएगा माइनस में एन सी आर माइनस 1. तो अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 24 पुट करूँ, n इज इक्वल टू 24 और r की वैल्यू पुट करूँ इक्वल टू 5, तो ये क्या देगा 25C5 माइनस 24C4, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये देगी वैल्यू इक्वल टू 24C5 के इक्वल. सो आंसर क्या देगा हमारे पास में डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, ये देगा 24C5 के इक्वल. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी.